बेटा सर्डिंग सीखोगे। अच्छा। हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आपको अपनी शेडिंग इम्प्रूव करने के लिए क्या करना चाहिए। हम जानेंगे तीन ऐसी चीज़ें जो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा अपनी शेडिंग को इम्प्रूव करने में। तो सबसे पहले आपको समझना है प्रेशर कंट्रोल। प्रेशर कंट्रोल यानी कि आपको जब पेंसिल आप शेड करोगे पेंसिल से, तो आपको कितना प्रेशर उस पेंसिल पर रखना है, उसको आपको प्रैक्टिस करना है। ये प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा आप बनाइए वैल्यू स्केल। वैल्यू स्केल का मतलब है कि हम कितना डार्क और कितना लाइट जाते हैं जब हम शेडिंग करते हैं। सपोज़ मैं यहाँ पे एक पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, अप्सरा की नॉर्मल पेंसिल है, ये कोई आर्ट पेंसिल नहीं है, कोई ख़ास पेंसिल नहीं है, एकदम सिंपल नॉर्मल पेंसिल। इससे हम कितना डार्क कर सकते हैं, कितना डार्क कर सकते हैं आप ट्राई कीजिए डार्क करने का। तो यहाँ मैं अपनी पूरी ताकत से इसको शेड कर रहा हूँ, तो ये मैक्सिमम डार्क है जो हम इस पेंसिल से जा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि कितना लाइट हम जा सकते हैं। सबसे लाइट तो ये पेपर खुद है, क्योंकि इससे लाइट हम कर नहीं सकते। अब देखते हैं कि इसके अलावा पेंसिल के यूज़ करके हम कितना लाइट जा सकते हैं। अब ट्राई कीजिए कि सबसे लाइटली पेंसिल को चलाने का। तो ये एक लाइट शेड है जितना मैं इसमें जा सकता हूँ। अब इसके बीच में कुछ रेंज आती है, बीच में जो रेंज आती है ये टोटल जो बनती है इसको हम स्केल बोलते हैं। ये सबसे डार्क, इससे कम डार्क, फिर इससे कम डार्क, फिर उससे कम डार्क, ऐसे करते करते लास्ट में हम पहुँचे इतना। तो ये डार्केस्ट शेड है, ये लाइटेस्ट शेड है जो हम इस पेंसिल से पा सकते हैं। तो हमें क्या प्रैक्टिस करना है, हमें प्रैक्टिस करना है पूरे शेड को। तो सबसे पहले आप ये कीजिए कि आप एक स्केल जैसा बना लीजिए, जैसे कि फेयर एंड लवली की एड में आता है, वो डार्क से लाइट होती जाती है। हालांकि वो सब एड फालतू है, लेकिन फिर भी आप इसमें, मैं रेफरेंस के तौर पे बता रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, समझना है कि ये सबसे डार्क शेड है, सबसे लाइट शेड है, आपको यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है। तो पहले तो इस बॉक्स को आप सबसे डार्क भर लीजिए। हमने ये पहला वाला बॉक्स, हम जितना डार्क हो सकता था हमसे हमने कर दिया। अब सेकंड बॉक्स जो है वो इससे लाइट रहेगा थोड़ा सा, तो इसमें भी प्रेशर लगाइए पूरा अपने हाथ पे, अपने पेंसिल पे, जितना प्रेशर आप लगा सकते हो, जितना आपने इस पे लगाया उससे थोड़ा सा कम। अगर एक बार में आपसे तुरंत ये शेड नहीं आता है, तो आप उसके ऊपर ऊपर दोबारा कर सकते हैं। आपको इस शेड से थोड़ा सा कम पहुंचना है। तो ये सबसे डार्क, ये उससे कम, अब ये वाला इससे कम। नेक्स्ट इससे भी कम। धीरे धीरे हमारी जो डार्कनेस है उसको हमें कम करते जाना है। ये सबसे लाइट, अगर यहां पे एक बॉक्स और हम बढ़ाते हैं तो सबसे लाइट ये पेपर का शेड आ गया। तो ऐसे करके हमारे कुछ रेंज होते हैं। यहाँ हमने 6 रेंज ट्राई किया। ये बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू द ड्राइंग वी आर मेकिंग। तो आप स्टार्टिंग स्टेज में ऐसे बॉक्स बॉक्स बना के इसमें शेड भरिए, ताकि आपको डिफरेंस पता चले कि हाँ ये मेरा सबसे डार्क था, ये मेरा थोड़ा सा लाइट हुआ इससे, थोड़ा सा लाइट हुआ इससे। ऐसे करके स्टार्टिंग में आपको बॉक्स बना के ट्राई कीजिए, फिर ये बॉक्स वाला चीज़ आप समझ जाएं एक बार, तब आप डायरेक्टली स्केल बनाइए।
लाइक दिस। ये आपको बहुत बार प्रैक्टिस करना है, बहुत बार। इससे क्या होगा कि आपको खुद ब खुद आपके हाथ में कंट्रोल आ जाएगी, कहाँ मुझे प्रेशर ज़्यादा देना है पेंसिल में, कहाँ मुझे कम करना है। और ये एक्सरसाइज है, ये आप कहीं भी कीजिए, आपने रफ कॉपी में कीजिए, आप कोई ड्राइंग कॉपी में पर्टिकुलरली करना चाहते हैं उसमें कीजिए, आप कहीं पे भी। जैसे आपको शुरू में प्रेशर ज़्यादा रखना है पेंसिल पे, फिर धीरे 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 आपका प्रेशर कम होता जा रहा है पेंसिल के ऊपर, धीरे 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 पेंसिल लाइट चला रही है, ऐसे करते 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 लास्ट आते आते आपको प्रेशर जो पेंसिल पे आप रखे हो वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। आप इसको उल्टा प्रैक्टिस भी कर सकते हो, स्टार्टिंग आपने लाइट से करते हुए किया, धीरे धीरे आपका प्रेशर बढ़ते जा रहा है पेंसिल पे, तो ये चीज़ आपको प्रैक्टिस करनी है बार बार। आपको बस देखना है कि आपने जितना डार्क यहाँ किया था वो डार्क दोबारा फिर ना आए, आपने जितना डार्क यहाँ किया वो डार्क दोबारा ना आए, आगे जितना जा रहे हो वो उतना लाइट होते जा रहा है। तो ये चीज़ आपको प्रैक्टिस करनी है, इसको वैल्यू स्केल बोलते हैं आर्ट की लैंग्वेज में, वैल्यू बोलते हैं। वैल्यू का मतलब है हम कितना डार्क जा रहे हैं, कितना लाइट जा रहे हैं। सो टिप नंबर 2 इज़ यूज़ ए टेक्निक कॉल्ड रेन फ्रॉम हेवन। इस टेक्निक का नाम है रेन फ्रॉम हेवन, स्वर्ग लोक से बारिश। तो इस टेक्निक में क्या होता है कि हमें शेड करनी होती है एक डायरेक्शन में, और वो डायरेक्शन ऐसे लगती है जैसे आसमान से बारिश हो रही हो। जैसे कि देखिए, तो ये ऐसे लग रहा है जैसे पानी गिर रहा हो। तो इसमें क्या होता है कि हमें सिर्फ एक डायरेक्शन में शेड करना होता है। अगर आप इस डायरेक्शन में कर रहे हो तो पूरा शेड आपको इसी डायरेक्शन में करना है, अगर आपको इस डायरेक्शन में कर रहे हो तो आपको पूरा शेड इस डायरेक्शन में करना है। आपको डार्क से लाइट करना है अगर, तो आपने जहाँ पे पहले शेड कर चुका है उसके ऊपर आप फिर से एक बार करोगे तो वो डार्क होता जाएगा, लेकिन डायरेक्शन हमेशा सेम रखनी है। तो बेसिकली ये एक टेक्निक है जिसमें हम ब्लेंड नहीं करते हैं। ये शुरुआत में आप लोगों के लिए सही है, अगर आप नए नए सीख रहे हो शेडिंग करना तो ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है। इससे क्या होता है कि हमें ऐसा नहीं लगता कि हम ब्लेंड करेंगे, इसे मिक्स करेंगे, ब्लेंडिंग स्टिक से हम इसे मिक्स करेंगे या किसी चीज़ से हमें स्मूथ करेंगे, जो हम अक्सर करते हैं, ज़्यादातर बिगिनर लोग यही करते हैं कि लगता है स्मूथ करेंगे तो सुंदर दिखेगा, और वो इस चक्कर में अच्छे से शेड करते ही नहीं है। तो ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, बहुत अच्छा प्रैक्टिस होता है आपका पेंसिल मूवमेंट का। शुरुआत में कोशिश कीजिए कि आप सिर्फ ऐसा करते, इस टेक्निक को यूज़ करके ही आपको अपनी एक जो पूरी ड्राइंग आपने बनाई है उसको पूरा शेड करना है सिर्फ ऐसा करते करते। कहीं डार्क है तो आपने ऐसे डार्क किया, कहीं लाइट है तो आपने ऐसे ही लाइट किया। शुरुआत में कंट्रोल कीजिए अपने आप को, अपनी फिंगर या टिश्यू पेपर या ब्लेंडिंग स्टिक, कुछ भी आप यूज़ करते हो अपनी शेड को स्मूथ करने के लिए ऐसे, तो आप शुरुआत में इसको नहीं कीजिए। बाद में आपको स्मूथ करने के लिए, जब आप ये चीज़ जान जाओगे तो स्मूथ करने की भी टेक्निक है, वो मैं तीसरी टिप में बताऊंगा। तो ये आप शुरुआत में सिर्फ आप इस तरीके से ही शेड करिए बिना उसको मिक्स किए। जब भी हम शेडिंग करने के बाद उसे ब्लेंड करना चाहते हैं, ब्लेंड यानी कि उसे मिक्स करना चाहते हैं अच्छे से स्मूथली, तो हम कई बार फिंगर का यूज़ करते हैं। तो फिंगर का यूज़ करने से क्या होता है, वो शेड फैल जाता है, अच्छे से वो स्मूथली मिक्स हो नहीं पाता। सपोज़ यहाँ पे दो बॉक्स हैं, मैं यहाँ पे फिंगर का यूज़ करता हूँ सपोज़ इसे ब्लेंड करने के लिए, तो आप खुद डिफरेंस देखिए।
यहाँ पे तो मैंने बॉक्स बनाया हुआ है, हो सकता है आप किसी की आईज में शेड कर रहे हो, किसी का फेस बना रहे हो या कुछ और भी ड्रॉ कर रहे हो, तो छोटी छोटी जगहों पे आप अपनी फिंगर का यूज़ तो कर नहीं सकते, इससे इवन नहीं हो पाता कई चीज़ें, और हो सकता है वो बाउंड्री के बाहर चले जाएं। यहाँ पे तो इतना बड़ा बॉक्स मैंने बनाया है, यही अगर छोटी सी एक आँख होती और उसके आईबॉल पे मैं ऐसे शेड कर रहा होता उंगली से, तो बहुत फैल जाता वो, बहुत ही मैसी मैसी लगता हमारा ड्राइंग, बहुत गंदा हो जाता। उंगली नहीं करने का। अब देखते हैं कि हम ब्लेंडिंग स्टिक से इसे अगर हम मिक्स करें तो वो कैसा दिखता है। आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि जब भी मैं इस लाइन के पास पहुंच रहा हूं तो मैं बहुत ही आसानी से शेड को ब्लेंड कर पा रहा हूं, बहुत स्मूथली कर पा रहा हूं। यहां पे आप देख सकते हो कि ये लाइन भी ब्लर हो गई है और ये जो हमारा शेड था वो बाहर निकल रहा है, इस जगह पे बाहर निकल रहा है, कहीं पे अनइवन लग रहा है, स्मूथ नहीं हो पा रहा। लेकिन हम जब ब्लेंडिंग स्टिक का यूज़ करते हैं तो हम अपने हिसाब से जगह छोटी हो बड़ी हो कहीं पे भी अच्छे से ब्लेंड कर सकती है। स्टिक अलग अलग साइजेस की आती हैं, तो टिप नंबर 3 इज़ डोंट यूज़ फिंगर्स, यूज़ ब्लेंडिंग स्टम्प्स टू ब्लेंड योर शेडिंग। तो 3 चीज़ें हमने जो सीखी, प्रेशर कंट्रोल करना पेंसिल की, रेन फ्रॉम द हेवन टेक्निक और ब्लेंडिंग स्टम्प्स को यूज़ करना शेडिंग के लिए। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता दूँ। प्रेशर कंट्रोल वाली चीज़ आपको प्रैक्टिस करनी है, आप बिगिनर हो, आप एडवांस लेवल पे हो, जहाँ पे भी हो, आपको प्रेशर कंट्रोल वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा प्रैक्टिस करना है आप अपनी शेडिंग को इम्प्रूव करने के लिए। सेकंड चीज़ जो है रेन फ्रॉम द हेवन, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है शेडिंग को इम्प्रूव करने के लिए। अगर आप स्टार्टिंग स्टेज पे हो तो आपके लिए मस्ट है, और अगर आप थोड़ी सी शेडिंग पहले से करते हो और थोड़ी सी अपर स्टेज पे पहुंच चुके हो और आप चाहते हो उस टेक्निक को सीखना, तो भी आप इसे यूज़ करें। रेन फ्रॉम द हेवन में आपको कोई भी चीज़ का यूज़ नहीं करना है ब्लेंडिंग करने के लिए, सिंपल शेडिंग यूज़ करना है, ना कॉटन, ना ब्लेंडिंग स्टम्प, ना फिंगर, किसी चीज़ से भी अपनी शेड को मिक्स करने की कोशिश नहीं करना है। आपको प्योर पेंसिल का यूज़ करना है, अपना हाथ, अपना कोई सा भी टूल यूज़ नहीं करना है मिक्सिंग करने के लिए। बहुत अच्छी टेक्निक है वो शेडिंग को इम्प्रूव करने के लिए, रेन फ्रॉम द हेवन। थर्ड जो टेक्निक हम मैंने बताई ब्लेंडिंग स्टम्प्स का यूज़ करना, वो बहुत प्रोफेशनल लेवल की टेक्निक है, वो डिटेल्स वर्क करने में काम आती है, वो तब आप उसमें घुसिए अगर आपको बेसिक्स जो शेडिंग की है पता है, और बेसिक्स रेन फ्रॉम द हेवन वो बेसिक्स है। तो आप पहले वो जानिए, ब्लेंडिंग स्टिक को यूज़ करना आप धीरे धीरे बाद में स्टार्ट करिए, पहले आप शेडिंग की बेसिक चीज़ को समझिए, क्योंकि बहुत सारे बिगिनर शेडिंग समझते पहले नहीं है, डायरेक्ट वो किसी टूल का यूज़ करने लग जाते हैं अपनी शेडिंग को, सोचते हैं कि ये किसी चीज़ से मिक्स कर दे तो तुरंत ही अच्छी दिखने लग जाएगी, ऐसा नहीं है। आप पहले शेडिंग के बेसिक्स को समझिए, फिर आप वो ब्लेंडिंग स्टिक वाली टेक्निक को आप यूज़ में लाइए। दूसरी बात, आज हमने टेक्निक को समझा, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट जो हमारा एक डेमो आएगा वो शेडिंग के ऊपर होगा, हम देखेंगे उसमें डायरेक्ट करते हुए कि शेडिंग कैसे होती है, उसमें मैं ब्लेंडिंग स्टिक का भी यूज़ करूँगा। तो आप रेन फ्रॉम द हेवन को भी प्रैक्टिस कीजिए, आप ब्लेंडिंग स्टिक को उसके प्रैक्टिस करने के बाद ब्लेंडिंग स्टिक को भी यूज़ कीजिए। आप धीरे धीरे दोनों चीज़ों को ट्राई करके देखिए, फिर हमारी नेक्स्ट जो डेमो आएगी हम उसको देख के और क्लियर होंगे कि शेडिंग होती कैसे रियल में। बेटा शेडिंग सीखोगे? सीखो सीखो। अच्छा।